नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। इस गर्मी में पानी की किल्लत हर जगह देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में फरीदाबाद शहर में वार्ड नंबर 2 में पानी की किल्लत को देखते हुए मुजेसर फाटक जाम कर दिया गया। जी हां, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें मुजेसर गांव की हैं, जहां पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर आज लोगों में रोष था और महिलाओं ने भी जाम में हिस्सा लिया और चारों तरफ से जाम कर दिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 से भावी पार्षद सनी बादल भी मौजूद रहे। यहां के सारे स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यहां से यू भैया आप? हाँ जी, मैं यहाँ मुजेसर गांव वासी का हूँ। हाँ। और ये महिलाएं गांव मुजेसर की हैं। हाँ। और सबसे 10 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, जब परेशान होके इन्होंने जाम लगाया है जी। तो अब आप लोगों की किससे क्या मांग है? हम सरकार से यही रिक्वायरमेंट करते हैं कि गांव बस्ती में पानी छोड़ा जाए। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमने इसलिए जाम लगाया क्योंकि हमारे गांव में पानी आ जाए और हमें इस चीज से कोई गिला शिकवा नहीं है बस जी। अगर पानी नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या करोगे? कोई आपकी बात सुनने आया अभी? जी, इन्होंने पार्षद और जो कुछ भी आए उन्होंने बताया कि 2 घंटे में पानी आ जाएगा, आप जाम हटा दो। तो उसके बाद इन्होंने जाम हटा दिया। अब अगर नहीं आया तो फिर ये सारे गाँव बस्ती मिला के फिर जाम लगाएंगे। आपके पार्षद कौन है? हमारे प्रियंका चौधरी जी। आज तक प्रियंका चौधरी को हमने देखा नहीं है, कोई किसी काम में भी नहीं आई है वो। अच्छा, आज तक उसका ससुर ही आता रहा जो भी काम के लिए आया, लेकिन वो कभी नहीं आई है। तो अभी आए हैं उनके वहाँ से कोई आए हैं? आए, उनके ससुर आया, उसका घर वाला आया। हाँ, बाकी वो नहीं, अभी नहीं आई है वो। तो अब दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं, वोट दोगे? अब कुछ नहीं मिलेगा उनको, पानी आएगा आपका बोल के गए हैं वो 2 घंटे। देखो, बोल के तो गए, अगर आता जा समझो, और नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, तो फिर करेंगे हम यहीं पे रोड जाम। ठीक है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।